हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीलोन के बारे पर चर्चा करेंगे। सीलोन को हम देह गुहा या प्रगुहा या गुहा बोलते हैं। यह सीलोन जो है, यह एनिमल क्लासिफिकेशन का एक बेस है। इसके आधार पर हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं कि किसमें देह गुहा है, किसमें देह गुहा नहीं है, या किसमें गलत प्रकार की देह गुहा है। तो आइए जानते हैं सीलोन या बॉडी कैविटी के बारे पर। इसको देखिए, मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये बॉडी वाल है, ये बॉडी वाल है और इसके बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल। तो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है। बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो जो यहाँ पर गुहा पाई जाएगी उसको हम देह गुहा कहेंगे, ठीक, उसको हम सीलोम कहेंगे। तो वही यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि बॉडी कैविटी एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या उपस्थित होती है, गुहा उपस्थित होती है। गुहा का मतलब एक स्थान उपस्थित होता है, एक स्पेस उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रगुहा या सीलोम कहते हैं, ठीक। सीलोम इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब सीलोम के आधार पर थ्री टाइप्स के एनिमल्स पाए गए हैं, तीन प्रकार के जंतुओं को पाया गया है। तो पहला है सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट एनिमल का मतलब क्या होता है, प्रगुही या देहगुही जंतु, मतलब जिनमें देह गुहा पाई जाए। तो आइए यहां पर देखते हैं, मीसोडर्म से आच्छादित गुहा पाई जाती है। मीसोडर्म है, आपको बताया था पिछले वीडियो पर कि थ्री जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो मीसोडर्म से आच्छादित गुहा उपस्थित, या तो आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि केवल गुहा जिसमें पाई जाए, मतलब बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जब गुहा प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे, उसको सीलोमेट एनिमल कहेंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण होता है कहाँ कहाँ पर ये मिलती है, तो एनेलिड्स पर, मोलस्क पर, मोलस्क का मतलब मोलस्का संघ के प्राणियों पर, एनेलिड्स का मतलब एनेलिडा संघ के प्राणियों पर, आर्थ्रोपोड्स का मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों पर, इकाइनोडर्म का मतलब इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों पर, हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स का मतलब हेमिकार्डेटा और कार्डेटा संघ के प्राणियों पर। तो ये जो सीलोम होती है, सीलोमेटा संघ के जो जो सीलोमेटा होते हैं, मतलब सीलोमेटा के अंतर्गत जिनको रखा गया है, जिनमें सीलोम पाई जाएगी, वो कौन से हैं, ये एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, आना, मुल्ला और ईसाई हमारी कार सीलोमेट है, ठीक। आना से एनेलिड, मुल्ला से मोलस्क, ईसाई से, सॉरी, और से आर्थ्रोपोड, ईसाई से इकाइनोडर्मेट और हमारी से हेमिकार्डेट, और कार का मतलब कार्डेट और सीलोमेट का मतलब सीलोमेट है जिसमें देह गुहा पाई जाए। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है स्यूडो सीलोमेट एनिमल। ये कैसे एनिमल होते हैं, इनमें इनमें देह गुहा कैसी होती है, इनमें कूट देह गुहा पाई जाती है, मतलब गलत प्रकार की देह गुहा। मीसोडर्म से आच्छादित गुहा अनुपस्थित होती है। मीसोडर्म से जो ढकी हुई गुहा होती है वो अनुपस्थित होती है। और इसमें मीसोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाया जाएगा। तो ऐसा लगे कि गुहा है यहाँ पर, लेकिन वो कूट देह गुहा होती है, वो गुहा नहीं होती है। और ये किसमें मिलेगा, निमेटोडा संघ के प्राणियों पर मिलेगा। निमेटोडा संघ के प्राणियों का मतलब एस्केलमेंथीर संघ के प्राणियों पर, मतलब एस्केरिस पर ये मिलेगा। इसके याद करने की ट्रिक क्या है, नमक कूटा हुआ, नमक पीसा जाता है, कूटा जाता है,
नमक कूटा हुआ का मतलब निमय टोटा में कूट देह गुहा पाई जाएगी। ठीक, इसके बाद एसिलोमेट एनिमल है। एसिलोमेट एनिमल का मतलब कि जिसमें सीलोम ना हो, जिसमें देह गुहा ना हो, तो इन्हें हम अगुही या अदेहगुही जंतु कहते हैं। इसमें सीलोम अक्सेंट रहता है। प्लेटी हेलमेंथीज के सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, पलट गुहा नहीं है, मतलब पलट गुहा नहीं है, या आप ये कह सकते चपटी गुहा नहीं है। चपटे क्रम किसमें आएंगे? प्लेटी हेलमेंथीज में। तो इस प्रकार से आप गुहा के बारे पर अंदाजा लगा सकते हैं। गुहा के आधार पर प्राणियों को 3 भागों पर आप बांट सकते हैं। थैंक यू फॉर